दोस्तों, हम केश अंबानी और मिस्टर बीस्ट इन दोनों के बारे में तो जानते ही होंगे। एक एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी है और दूसरा यूट्यूब की दुनिया पर राज करता है। दोनों ही अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं और दोनों में एक बात कॉमन है, ये करोड़ों में कमाते हैं और करोड़ों में उड़ाते भी हैं। लेकिन इन दोनों का पैसा खर्च करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर मिस्टर बीस्ट और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपनी बेशुमार दौलत को कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के आखिर तक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर हम मिस्टर बीस्ट की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर चैलेंज वीडियोस बनाते हैं, जिसमें वो लोगों को काफी सिंपल और इजी चैलेंज देते हैं और जो भी उनके चैलेंजेस को पूरा कर लेता है, मिस्टर बीस्ट बिना एक बार सोचे उनको करोड़ों के गिफ्ट भी दे देते हैं। लेकिन आखिर मिस्टर बीस्ट के पास इतना पैसा कहां से आता है? तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर बीस्ट के साथ यूट्यूब चैनल्स हैं, जिससे हर महीने उनके चैनल पर 1,000 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। केवल यूट्यूब से ही वो हर महीने $10 मिलियन कमा लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे वो हर महीने करोड़ों में कमाते हैं। यूट्यूब चैनल्स के अलावा मिस्टर बीस्ट का बर्गर का बिजनेस भी है। उनकी कंपनी का नाम मिस्टर बीस्ट बर्गर है। ये कंपनी हर महीने मिस्टर बीस्ट को $20 मिलियन का रेवेन्यू देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर बीस्ट इतना सारा पैसा खुद पर नहीं बल्कि लोगों पर खर्च करते हैं और यही वो कारण है कि मिस्टर बीस्ट लोगों में इतने फेमस हैं और लोग उनको बेशुमार प्यार करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पर चैलेंज वीडियोस बनाते हैं और चैलेंज पूरा करने वाले को वो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दे देते हैं। ऐसे ही एक बार मिस्टर बीस्ट ने एक रैंडम आदमी को चूज किया और उसे $1 मिलियन दे दिए और उसे चैलेंज दिया कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर $1 मिलियन तक शॉपिंग कर सकता है, जिसके बाद उस आदमी ने 1 मिनट में $18,000 यानी 13 लाख की शॉपिंग की, जिसका सारा बिल मिस्टर बीस्ट ने पे किया। और ऐसे ही एक बार मिस्टर बीस्ट अपने दोस्त क्रिस और उसके फादर जो एक किसान हैं, उनको योंडियर शोरूम में इनवाइट करता है और उनको बोलता है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर क्रिस के फादर शोरूम में मौजूद जितनी चीजों को हाथ लगा देते हैं उसका सारा बिल मिस्टर बीस्ट खुद पे करेगा। और टाइमर शुरू होते ही क्रिस के फादर चीजों को छूना शुरू कर देते हैं और 30 सेकंड खत्म होने के बाद क्रिस के फादर ने योंडियर ट्रैक्टर समेत $80,000 यानी 60 लाख की शॉपिंग की, जिसका सारा बिल मिस्टर बीस्ट ने पे किया। एक बार तो मिस्टर बीस्ट ने एक आदमी को बास्केटबॉल गोल में डालने पर $2 लाख यानी $2 करोड़ दे दिए थे। और ऐसे ही एक बार मिस्टर बीस्ट ने 4 लोगों को चैलेंज दिया कि वो इस बॉक्स में अपना हाथ रखें और जो भी लास्ट में बॉक्स से हाथ उठाएगा मिस्टर बीस्ट उसे $1 मिलियन यानी $7.5 करोड़ देंगे। हुआ भी ऐसा ही, जे आदमी आखिर में बॉक्स से हाथ उठाता है और मिस्टर बीस्ट उसे $1 मिलियन दे देते हैं। जब मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर 40 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए थे तो उन्होंने अपने 40 सब्सक्राइबर को एक एक लग्जरी कार यानी टोटल 40 कार गिफ्ट में दी थी, जिसमें एक कार की कीमत ही 70 लाख थी। अब तक मिस्टर बीस्ट लोगों को डोनेशन में प्राइवेट आइलैंड, एक्सपेंसिव आईफोन्स, लग्जरी कार्स, महंगे घर और करोड़ों रुपए कैश में दे चुके हैं। मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा लोगों को डोनेशन में दे देते हैं और डोनेशन के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देख उन्हें काफी खुशी मिलती है। शायद यही वो वजह है कि मिस्टर बीस्ट को लोग इतना प्यार करते हैं। और जिस आदमी के पास एक माइक को खरीदने के भी पैसे नहीं थे, आज वो इंटरनेट की दुनिया पर राज करता है और उसका चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। चाहे मिस्टर बीस्ट ये सब अपनी वीडियोस के लिए करते हैं, लेकिन उनके ऐसा करने से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो वो हर घंटे 90 करोड़ पे कमाते हैं और उनके पास $84 बिलियन की संपत्ति है। लेकिन इनका पैसा खर्च करने का तरीका मिस्टर बीस्ट से बिल्कुल अलग है। ये अपना पैसा डोनेशन में नहीं बल्कि अपने महंगे शौक पूरा करने में खर्च करते हैं। मुकेश अंबानी अपनी अरबों की दौलत अपने परिवार पर खर्च करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो नीता अंबानी की 200 करोड़ की बर्थडे पार्टी हो या 700 करोड़ से भी ज्यादा उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी। मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी जोधपुर के उम्मेद भवन में रखी थी। ये बर्थडे पार्टी दुनिया की सबसे महंगी बर्थडे पार्टी थी, जिसमें देश विदेश की नामी ग्रामी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। यहां तक कि मुकेश अंबानी ने अपने मेहमानों को जोधपुर पहुंचाने के लिए 32 चार्टर्ड प्लेन्स का भी इंतजाम किया था। इस पार्टी में दुनिया के हर तरह का खाना और महंगी से महंगी शराब का इंतजाम था। वहीं मुकेश अंबानी की बेटी की शादी भी दुनिया की सबसे महंगी शादियों में शुमार है, जिसमें कुल 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ईशा अंबानी ने जो शादी में ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 90 करोड़ रुपए थी और अंबानी फैमिली ने उस शादी में जो कार्ड छपवाए थे उसमें से एक कार्ड की कीमत 5 लाख रुपए थी। मुकेश अंबानी के पास 168 लग्जरी कार्स हैं, जिसमें फरारी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी से लेकर टेस्ला
टेस्ला तक हर महंगी कार का कलेक्शन है और ये सब गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती हैं। और हाल ही में मुकेश अंबानी ने भारत की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयल्स भी खरीदी है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। अंबानी के पास एक वैनिटी वैन भी है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। इसको बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस 27 मंजिला घर में आपको वो सब सुख सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। आए दिन मुकेश अंबानी करोड़ों की पार्टीज देते रहते हैं जिसमें बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन शिरकत करते हैं। दोस्तों, आपको मुकेश अंबानी और मिस्टर बीस्ट इन दोनों में से किसका पैसा खर्च करने का तरीका बढ़िया लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।